सो हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दरअसल YouTube ने एक ऐसा अपडेट निकाला है जिस अपडेट की हेल्प से अब आपकी वीडियो बहुत ही कम टाइम में वायरल हो जाएगी। ऐसा क्या है इस अपडेट में जो आपकी वीडियो बहुत ही कम टाइम में वायरल हो जाएगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि YouTube हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट्स लाता रहता है, तो दोस्तों इस महीने भी YouTube एक बहुत ही कमाल का अपडेट लेकर आया है। जैसा कि दोस्तों आपको पहले अपनी वीडियो पे एक थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलता था, दोस्तों अब आपको अपनी वीडियो पे तीन थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिला करेगा। और अब आप ये सोचोगे कि तीन थंबनेल लगाने से हमारी वीडियो कैसे वायरल होगी, तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। पहले आप ये समझिए कि हमारी वीडियो पे थंबनेल का क्या काम होता है। हमारे थंबनेल का सबसे मेन काम होता है हमारी वीडियो का CTR। जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो हम अपनी वीडियो में सबसे अच्छा थंबनेल लगाते हैं जिसकी वजह से हमारा CTR बढ़ सके। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम अपनी वीडियो का थंबनेल बनाते हैं तो हमें तो अपना थंबनेल अच्छा लगता है लेकिन हमारी ऑडियंस को थंबनेल अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से हमारी वीडियो पे कम व्यूज आते हैं क्योंकि हमारी वीडियो का CTR बहुत ही कम होता है। लेकिन अब से आप अपनी वीडियो पे तीन थंबनेल लगा सकोगे और YouTube आपको खुद बताएगा कि तीनों थंबनेल में से सबसे अच्छा थंबनेल आपका कौन सा है, और फिर आप अपने उस थंबनेल को अपनी वीडियो पे परमानेंट लगा सकते हो जिससे कि आपकी वीडियो का CTR बढ़ेगा, आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब ये तीन थंबनेल वाला रूल काम कैसे करेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल के लिए पहले क्या होता था, जब हम अपनी वीडियो को अपलोड करते थे तो YouTube हमारी वीडियो को 100 बंदों के पास भेजता था। अगर उन 100 बंदों में से हमारी वीडियो पे 10 बंदों ने क्लिक कर दिया तो हमारी वीडियो का CTR 10% हो जाएगा। अगर वहीं हमारी वीडियो पे 100 बंदों में से 3 बंदों ने क्लिक किया तो हमारी वीडियो का CTR 3% हो जाएगा। अब तीन थंबनेल अपलोड करने के बाद क्या होगा, जैसा कि आपने तीन थंबनेल अपलोड किए, YouTube क्या करेगा, आपकी वीडियो पे आपका पहला थंबनेल लगा के 100 बंदों के पास भेजेगा। अगर उस वीडियो पे 100 बंदों में से 3 बंदों ने क्लिक कर दिया तो आपकी उस वीडियो का CTR 3% हो जाएगा। फिर YouTube क्या करेगा, आपकी उसी वीडियो पे दूसरा थंबनेल लगा के 100 बंदों के पास भेजेगा। अगर फिर उन 100 बंदों में से आपकी वीडियो पे 5 बंदों ने क्लिक कर दिया तो आपकी उस वीडियो का CTR 5% हो जाएगा। फिर YouTube क्या करेगा, आपकी सेम वीडियो पे तीसरा थंबनेल लगा के 100 बंदों के पास भेजेगा। अगर उन 100 बंदों में से आपकी वीडियो पे 15 बंदों ने क्लिक कर दिया तो आपकी वीडियो का CTR 15% हो जाएगा। और YouTube स्टूडियो में YouTube आपको खुद बताएगा कि आपके किस थंबनेल पे ज्यादा CTR आ रहा है, फिर आप उसी थंबनेल को अपनी वीडियो पे परमानेंट लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीडियो पे सिर्फ तीन थंबनेल को ही अपलोड कर सकते हो, उसके बाद आप कभी भी कोई थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते, आप अपने उन तीनों थंबनेल को कभी भी चेंज कर सकते हो। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।